प्यारे दोस्तों, आशा है कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक ऐसे फोन केस की जिसे मैं लगभग पिछले कम से कम 2-3 सालों से यूज कर रहा हूँ। बड़ी ही रिसर्च के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे बेस्ट कवर फोन की प्रोटेक्शन के मामले में आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब कि यदि आप 200 से 250 रुपये तक की रेंज में एक ऐसा फ़ोन कवर खरीदना चाहते हो कि जो आपके फ़ोन की प्रोटेक्शन अच्छे से कर पाए, तो ये कवर आपके लिए है। हाँ, हो सकता है कि फ़ोन का लुक थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन यदि आपकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ फ़ोन की सेफ्टी ही है, तो ये कवर आपके लिए है। पिछले साल नवंबर 2020 में मैंने 2 बैक कवर मंगाए थे फ्लिपकार्ट से, और मैं इनको अभी तक यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बताऊँ, मेरा फ़ोन न जाने कितनी बार गिरा होगा और गंदे तरीके से गिरा है, लेकिन इस बैक कवर की वजह से मेरे फ़ोन में खरोंच तक नहीं आई है। और इससे पहले भी जो मेरा पुराना फ़ोन था, उसके लिए मैंने ऐसा ही बैक कवर खरीदा था करोल बाग मार्केट से, और वहाँ पर ये मेरे को कवर पड़ा था 150 रुपये तक का, और यहाँ पर ऑनलाइन मार्केट में आपको ये कवर आराम से 200-250 रुपये तक के लिए मिल जाएगा। यदि आप इसको परचेज करना चाहते हैं, तो मैं दोनों ही बैक कवर का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसको खरीद सकते हैं। इस बैक कवर में आपको एक स्टैंड मिलता है जो आपको मूवीज़ देखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और आप इसमें क्लियरली देख सकते हो जी कैमरे की प्रोटेक्शन के लिए इसमें थोड़ा सा उभार है वहाँ पर, तो उसकी वजह से भी आपका कैमरा पूरा सेफ रहता है इस बैक कवर में। और इसके और इस बैक कवर की सबसे खास बात यह है कि चारों कॉर्नर पर इसमें पंप है, और उस पंप का फ़ायदा ये होता है कि जब भी आपका फ़ोन किसी ऊंचाई से नीचे गिरता है, तो ये पंप होते हैं उस काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और आपका जो फ़ोन होता है वो टूटने से बच जाता है। बस आखिर में ये कहूँगा कि यदि आपकी प्रायोरिटी में फ़ोन की सेफ्टी है, तो ये बैक कवर आपके लिए है। आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि आप कुछ भी पूछना चाहते हो इस बैक कवर के बारे में, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो। और यदि आपका मन करे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वरना तो कोई बात नहीं। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।